दोस्तों नमस्कार। आज जिस विषय पे हम बात करेंगे वो है मानसिक स्थिति। जैसे कि बहुत सारे रोगी जो है बहुत ज़्यादा जीवन में हताश हो जाते हैं, कभी कभी हताश हो जाते हैं किसी न किसी कारण से या असफलता की वजह से। ऐसे रोगी के साथ में बहुत ही अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए, निगेटिव कोई इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए ताकि उनका मनोबल जो है टूट जाए। हताश रोगी जो है वो कभी कभी सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ भी चला जाता है। ऐसे में रोगी को इग्नेशिया 200 की पोटेंसी में दिन में कम से कम दो बार और इसके 10 मिनट के बाद में एरम में 200 दो बूंद आधे कप पानी में मिला के कम से कम 3 से 4 बार दें। इसके साथ में जेल्सीमियम भी बहुत ही अच्छा काम करती है मानसिक स्थिति पे या फिर और भी कई सारे स्थितियों पे, तथा इसका भी प्रयोग करना चाहिए। साथ ही एसिड फॉस 30 की प्रिंसी में कम से कम दिन में 3 से 4 बार देना चाहिए काफ़ी दिनों, मतलब कि कम से कम जो है 45 दिन तक दें और देखें क्या क्या चेंज आती है। आशा करता हूँ इससे आपको जो है काफ़ी हद तक जो है आराम मिलेगा। आशा है ये छोटा सा क्लिप आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसे थोड़ा आपसे हाथ कर बद्ध अनुरोध है कि आप और लोगों तक जो है पहुँचाएँ। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम पति, लॉन्ग लिव हैनी मैन।